दैट्स अ डिफरेंट पॉलिटिक्स जी आमिश जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को पहले तो पॉलिटिकल कमेंटेटर, मुझे लगता है एक चीज तो मुझे लगता है कि एक चीज तो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में राजनीति के नाम पे फिल्म की शूटिंग नहीं होती, कि आपको नायक फिल्म की तरह एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, 3 घंटे के लिए एजेंसियां सौंप दी जाएं। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है जो शायद एक अनार्किस्ट पार्टी नहीं समझ सकती। जिस पार्टी के नेता अपने आप को अनार्किस्ट कहते हुए आघाते नहीं है, वो इस बात को नहीं समझ सकते कि ये एजेंसियां रखी हुई नहीं है कि किसी के भी हाथ में चली गई 3 महीने के लिए, और रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यही पार्टी थी ना जो गुजरात इलेक्शंस में अदानी का मुद्दा उठा रही थी, कहां जनता ने कौन सा मुंह दिखाया इनको। लेकिन इसके बाद भी आज बात लिकर पॉलिसी पे होनी चाहिए कि आप शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के आड़ में आप अपने शराब की जो पूरी नीति थी आपकी, जो गलीच नीति थी जिसको शिक्षा और शराब को अलग रखना चाहिए, उसको आप एक कॉकटेल बना करके जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब मैं हतप्रभ हूं यह देख करके, और हमारे जैसे लोग थे जिसने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था जब नई नई पार्टी बनी थी। तो कहने का अर्थ यह है कि इन लोगों की जो पराकाष्ठा है धूर्तता की और पराकाष्ठा है करप्शन की, वो पार कर चुके हैं, ये पूरी तरह से पार कर चुके हैं। जब भी इनसे एक्साइज पॉलिसी पे सवाल पूछो, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है जी जी, लेकिन 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 बहुत बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि हाईली प्लेस सोर्सेज से खबर आ रही है कि किक बैक 100 करोड़ से ऊपर का मिला है। यानी सीबीआई सोर्सेज से जो खबर मिल रही है वो ये आ रही है कि किक बैक 100 करोड़ रुपए से ऊपर का मिला है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, 100 करोड़ रुपए से ऊपर का किकबैक मिल रहा है। इसके सबूत है, इसके प्रूफ है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, ये इस समय की बड़ी खबर है। दिलीप पांडे, आप राजनीतिक शुचिता की बात करते थे, आप राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी की बात करते थे। कुछ गंभीर सवाल गौरव भाटिया ने उठाए हैं और शुभराष्ट्रा ने बोला है कि हम लोग आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन आपने क्या दिखाया पांडे जी? अमीश भाई, पहले तो मैं दिलीप पांडे, आपने बीजेपी के 2 प्रवक्ता बिठाए, हमारे आम आदमी पार्टी के भी 2 बिठाने चाहिए थे। बहरहाल कोई बात नहीं, आप तो 100 करोड़ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता 10,000 करोड़ रुपए। आमिश जी, मैं ये डिबेट नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, आपको इनको रोकना पड़ेगा, मैं ये डिबेट नहीं कर सकती। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, नहीं नहीं, ये जो दिलीप पांडे जी के साथ अनर्गल बयानबाजी के साथ मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं, आप कुछ भी बोल करके चले जाएंगे, आप कुछ भी बोल बक के चले जाएंगे। आपके पास शऊर नहीं है क्या सवालों का जवाब दे सके? नहीं, मैं बोलूंगी, बिल्कुल मैं उठूंगी, क्योंकि मैं जनता हूँ, मैं जनता हूँ, मैं अभी तो उठ रही हूँ। और दीदी, मैं नहीं रह सकता आपके भाई, अरे क्यों कर रही हैं आप ऐसे? चाहिए मैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अगर अच्छा काम किया उसकी भी तारीफ करिए, आपकी सरकार की काम की भी तारीफ। गौरव जी का और सुभ्रष्टा जी का कंटेंट सेम था। मैंने इसलिए कहा कि आपने 2 प्रवक्ता बिठा लिए, तो हमारे भी एक बिठा लेते, ये कह रहा था मैं। बाकी मैं मेन बात मेरा ठीक है, सुभ्रष्टा जी, मेरा समय यही समाप्त हो रहा है।